कल 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 का कथा सुनाएंगे कौन दीवार कल की कथा है हाँ तुम आ जाए बड़ा पढ़ कल की कथा सुना उसको मैग दे दो और एक मैग इधर दे दो हरि वाह हरे कृष्ण हरि बोल हाँ तुम चल चित हरि बोल हरे कृष्ण हरे बोल हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण सबसे पहले मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अशोक तथा सीतनाथ हरे कृष्ण गुरुपाद जी को चरण साफ करना तेज तपश्चात मेरे परम गुरुदेव वर्ग रूपानुभव गुरुवर्ग अनंत कोटि वैष्णव वृंद स्वपाद सर सपरिकर श्री रूपा स्वपाद सपरिकर श्री गोविंद स्वपाद सर सपरिकर श्री दर्शिकोले भक्ति बिहारी जो गोविंद जो समस्त जन्म मेरा अदम का संगत प्रणाम करूं का इतने रूपावान छह करता हूँ उपस्थित गुरु गाता हूँ वैष्णव वैष्णव वृंद समस्त जन्म का हम लोग ने दसम स्कंद भागवत जी के श्री गुरुदेव के मुखारवि से श्रवण कर रहे हैं तो कल गुरुदेव ने बताया था तो गुरुदेव ने बताया कि परीक्षित महाराज का उत्कंठा इतना था कि जब सुखदेव गोस्वामी पाद ने एक श्लोक में वर्णन कर दिया फिर भी परीक्षित महाराज ने उनको बार बार कृष्ण कथा पूछे फिर वहां पर परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि रोहिण्या सन्नप्रोक्तम राम संकर्षणंत्वया देवक्यं गर्भ संबंधम कुतः देहांतर विना कि हे सुखदेव गोस्वामी आप मुझे क्या करो ना आप कभी बता रहे हो कि ये जो बलराम है बलदेव प्रोक्त दाऊद भैया ये कभी देव के भी गर्भ में देव के भी पुत्र है और ये ब्रज में भी क्या हुआ है ना इनका जन्म हुआ है तो तथा देहांतर बिना कि देहांतर मतलब देह अंतर था तो एक देह का अंतर मतलब एक देह का नाश नहीं होके उन्होंने दो जगह एक साथ कैसे जन्म लिया ये बात मुझे आप विस्तृत रूप में बताए और दूसरी बात बता रहे हैं कि आप कृपा करके कृष्ण लीला बताए कैसे कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए और मथुरा से प्रकट होके कैसे कृष्ण ने गोकुल में गए और वहां से कैसे सुंदर सुंदर लीला की फिर वहां से कैसे मथुरा में फिर से आगे कंस का वध किया और वहां से फिर कैसे द्वारिका में गए और द्वारिका के बाद कैसे उनके जितने भी पटरानी थे सबके साथ वहां पे विशेष लीला किया और वहां पे प्रद्युम्न अनिरुद्ध उनका हर एक जो महिषीगण उनके एक दस दस बेटे और एक एक लड़की ठाकुर जी ने फिर कैसे ऋषियों का साफ ग्रहण करते हुए प्रवास क्षेत्र में गए और प्रवास क्षेत्र में कैसे उनका अंतिम लीला किया तो ये पूरा का पूरा लीला जो मैंने पूछा है और जो मैंने नहीं पूछा है वो भी आप क्या करो ना कृपा करके मुझे बताओ तब यहाँ सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि भगवान जो है भगवान आने का बोल रहे हैं कि भगवान आने का विशेष करके दो कारण है एक तो मुख्य कारण एक गौण कारण तो जो साधारण कारण है भगवान आने का वो बोल रहे हैं कि गीता में भगवान बता रहे हैं कि जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिः भवतु भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्मसंस्थापनाय संभवामि
कि भगवान क्या होता है ना, जब जब अन्याय होता है उसी समय भगवान क्या करते हैं ना, धर्म संस्थापन, धर्म को स्थापन करने के लिए और परित्राणा या साधना, साधनों को क्या करते हैं ना, उद्धार करने के लिए और विनाशाय दुष्कृत, दुष्कृत जो लोग है असुर प्रभु विशेष करके हमारे परम गुरुदेव बताते हैं अपने टीका में, उन सबको क्या विनाश करने के लिए ही ठाकुर जी आते हैं। ये तो साधारण कारण है। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, उस समय पे पृथ्वी में सारे के सारे जितने भी राजा लोग थे वो अधर्मी हो चुके थे और वो ऋषि मुनि को बहुत तंग करते थे और अधर्म इतना फैल गया कि ऋषि मुनि लोग ने क्या किया ना, ब्रह्मा जी के समीप आए। अब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास में दुखी हो गए, ब्रह्मा जी के पास आए, फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया ना, इनको इंद्र के पास ले गए। अब इंद्र ने क्या किया ना, बोले कि मैं तो मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, और उन्होंने क्या किया ना, शिव जी के पास गए। अब शिव जी क्या किए ना, सबको लेके ठाकुर जी के पास गए। यहाँ पे गुरुदेव बताए थे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के टीका कि इन्होंने इंद्र और शिव जी के पास क्यों गए, कि बोल रहे हैं कि शिव जी कौन है, ये है ना संहार करता, ये क्या करते हैं ना विनाश करते हैं, हो सके तो शिव जी भी विनाश करते हैं कुछ रक्षा करते हैं, तो ये भी शिव जी के बस के पास नहीं है। और इंद्र के पास क्यों गए, कि इंद्र कौन है ना, हो सके कभी किसी किसी मनोकल्प में इंद्र को क्या करते हैं भगवान सृष्टि का पालन करने के लिए भी आदेश देते हैं और इंद्र विशेष रूप से पालन करते हैं, पालन मतलब वर्षा करना, धूप करना इत्यादि इत्यादि रूप से। तो क्या हुआ ना, इन्होंने इसी वजह से ही इंद्र शिव जी के पास गए, फिर इंद्र शिव जी को भी लेके गए। तब उन्होंने जाके जब खीर समुद्र में स्तुति किया तो वहां पे स्वयं भगवान जी ने भगवान का क्षीरोदा कसाई विष्णु उनका आवाज सुनाई दिया और उनका आवाज सुनाई दिया कि मैं अभी क्या करूंगा ना, बहुत जल्दी ही तुम लोगों को कल्याण करने के लिए धरती पे आऊंगा। तो इतना बताया था और उसमें बताया था कि जो कालंदर कसाई विष्णु और ब्रह्मा भी उनको क्या हुए ना, ब्रह्मा भी उनको दर्शन नहीं कर पाए, बस उनका आवाज ही सुनाई दिया। और भगवान ने दो बात यहाँ पे विशेष रूप में बताया, एक बताया कि जितना भी देवता है ये लोग तुम लोग और जितना भी देवी ये लोग क्या करो ना, ब्रज में चले जाके जदु वंश में जन्म ग्रहण करो और जितना भी देवी है ये लोग क्या करो ना, गोपी बन के ब्रज में जन्म ग्रहण करो। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि देवता लोग का इतना स्वीकृति कहाँ है कि स्वर्ग में बताते हैं कि कीड़े पुण्य मरते लोग की अगर पुण्य क्षीण हो जाता है स्वर्ग में तो फिर क्या होता है, जितना भोग करना है अगर हमने कुछ भी धर्म का अनुष्ठान किया, स्वधर्म का अनुष्ठान कुछ साल तक कर लिया, स्वधर्म निष्ठा तथा जन्म गुमान के टीका में भी है इसका बारे में बता रहे हैं कि कुछ साल तक ऐसा कुछ कर लो तो इंद्रप्रस्थ प्राप्त होता है। तो इंद्र प्राप्त होने के बाद इंद्र के जो पद में स्वर्ग भोग करने के बाद फिर क्या होता है, उस जो पुण्य खत्म हो जाता है तब उसको फिर से क्या करना पड़ता है ना, मर्त्य लोक में आना पड़ता है। तो ये देवता लोगों का ऐसा क्या सौभाग्य था कि इन्होंने फिर जदुवंश में इन्होंने कौन सा तपस्या किया था, तो बोल रहे हैं यहाँ पे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ना, इन्होंने क्या किया ना, जो जदुवंश के जो मूल परिकर है, जो कृष्ण के मूल परिकर जदुवंशी, उनके जो शरीर में तदात्म रूप में इन्होंने एक हो गए। तो जो मूल कौन है ना, भगवान के परिकर जदुवंशी, उनमें क्या हुआ, ये देवता का तदात्म हो गए। और दूसरी बात बता रहे हैं कि ये जो गोपी लोग, तो ये गोपी लोग के जो श्रेष्ठता के लिए ब्रह्मा शिव जी स्तुति करते हैं, उद्धव जैसे महाभागव स्तुति करते हैं, तो ये स्वर्ग के कुछ देव कन्या इनका क्या ये था कि इन्होंने गोपी बन के आए, तो बता रहे हैं कि यहाँ का उदाहरण देते हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि जो बामन देव है, जो बामन देव स्वर्ग इंद्र के यहाँ रहते हैं बामन देव, तो उनके जो कुछ पत्नी, उनके जो सेविया ये देव कन्या लक्ष्मी, कुछ लक्ष्मीगण उनके पत्नी है, तो वो लोगों ने जब राधा रानी को स्वरूप को जानने के लिए कोशिश किया और राधा रानी को प्रार्थना करते हैं कि हे राधा रानी आप हमें क्या करो ना, ब्रजधाम में आप हमें बात करो, तो राधा रानी को ब्रजधाम में इसलिए राधा रानी कृपा करके उनको क्या करते हैं फिर ना आदेश देते हैं। वो क्या हुआ ना, जो बामन देव की लक्ष्मी देव कन्या लोग उन्होंने ही क्या किया ना, गोपी के रूप में फिर प्रकट होते हैं। फिर यहाँ पे बता रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी पास कि भगवान
ना वासुदेव द्वे साक्षात भगवान पुरुषोत्तम जनिष्यते तत्प्रियार्थे संभवन्तु सुरस्त्रिय। और बता रहे हैं कि भगवान का जो माया है विष्णु माया भगवती जया सम्मोहिता जरा, क्योंकि भगवान का ये जो योग माया इसके बारे में कल गुरुदेव बता रहे थे कि योग माया ना दो विशेष मतलब सेवा होता है, एक क्या है ना भगवान से विमुख करना और एक भगवान के लीला से सहायता करना। भगवान के लीला को एक क्या करते हैं कृष्ण लीला को पुष्टि कर देते हैं कि भुला देते हैं कृष्ण ही स्वयं भगवान है। और दूसरी बात है कि इन्होंने क्या करते ना जीव से अगर जीव अगर भोग वृत्ति के अगर तरफ देखा तो ये क्या करता है ना माया में डाल के इसको भगवान से विमुख कर देते हैं। इसलिए बता रहे हैं कि जब जीव तटस्थ शक्ति पर उत्पन्न होता है तब क्या करता है जो जो चीज जगत को देख के आकृष्ट हो जाते हैं वो लोग भगवान की चीज शक्ति को प्राप्त करके वो लोग वहीं से चीज धाम को चले जाते हैं। लेकिन जो जो लोग माया भोग करना चाहते हैं संसार में भोग करना चाहते हैं वो लोग फिर क्या करते हैं ना माया में संसार में दुनिया में आते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं जो माया वहाँ पे दो शरीर प्राप्त प्रदान कर देता है, एक तो है स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर है मन बुद्धि अहंकार आत्मिका जो सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार आत्मिका जो आत्मा को उसके आवरण का जीव उपाधि का नाम है। और जो सूक्ष्म स्थूल शरीर है वो क्या है ना खेत आप मरु तेज व्यम से रचित नश्वर शरीर, खेती आप जल तेज खेत आप जब जीव जगत में फेंक देते हैं तो फिर वो क्या करते हैं माया में भटक रहता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कृष्ण बहिर्मुखा हुए भोग वांछा करे निकटिया माया धारा छापटिया धरे, कृष्ण को बहिर्मुख होके जो जीव भोगवांछा में इच्छा रखते हैं फिर माया उसको पकड़ लेते हैं, फिर पकड़ के उसको और दो शरीर देके फिर माया में उसको भ्रमण करवा देते। तो ये बात गुरुदेव ने बताया था वांछा बोलो पूरा हो गया बाकी नहीं रह गया प्रभु जी आप प्रभु जी का पूछवा दे प्रभु जी यही देख रहे कुछ कुछ छोड़ा नहीं उसने नहीं थोड़ा थोड़ा सा होता है तेरे तुम्हारे लिए थोड़ा थोड़ा सा ओम अज्ञान तमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णुपादाय राधिकाय व्यात्मने शिशुमत् भक्तिवेदांत नारायणं सर्वम अग्र गुरुदेव तिलकाम विष्णुपाद शिष्यमन भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में अनुकूलित ध्वनि ज्ञापन करता तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव भक्ति वेदांत श्री गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि ध्वनि ज्ञापन करते हुए उपस्थित ब्रह्मचारीगण वैष्णव वैष्णव के चरणों में कोटि कोटि ध्वनि प्रणाम। महाराज ने आते ही आज्ञा दे दी कि कुछ कहो, अब तो आप लोगों क्या लेसन चला मुझे भी नहीं पता। खैर गुरुदेव आ गया शिवधार जगन्नाथ जी का आज दर्शन हुआ काफी दिनों में, तो आज जगन्नाथ जी का काम शुरू हो गया जगन्नाथपुरी में ना, आज जगन्नाथ मंदिर खोल लिया। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय। दर्शन अरे हमारे भी यहाँ दर्शन, हमारे तो ठाकुर रोज दर्शन दे। हमारे गुरु परंपरा और विशेष करके चैतन्य महाप्रभु का विशेष अवदान जो कि जगन्नाथ जी का हम सब जगतवासियों को बड़ा सुंदर तरीके से उनकी कृपा दर्शन ये सब हमें उनकी महिमा हमारी गुरु परंपरा से हमें उपलब्ध हुई। जगन्नाथ जी का इतिहास बड़ा प्राचीन है, जगन्नाथ मंदिर का जितने भी राजा हुए महान राजा हुए और वो अपने आप को राजा ना जान करके सेवक मानते हैं। भगवान की जगन्नाथ रथ यात्रा जब होती है तो सर्वप्रथम राजा वहां पर आते हैं और खुद झाड़ूदार बनकर के झाड़ू लगाते हैं। तो ऐसे ही एक सेवक राजा हुए जिनका नाम था प्रताप
पुरुषोत्तम जाना नहीं जाना हाँ पुरुषोत्तम जाना पुरुषोत्तम जाना जो पुरुषोत्तम जाना एक महान राजा महान सेवक और अभी नवयुवक है और वो नवयुवक ऐसे हैं कि उनका रिश्ता विद्यानगर के नरेश की पुत्री से होने वाला है और जगन्नाथ रथ यात्रा में आकर के उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए वहां पर पहुंचे और उन्होंने सोचा कि मैं अपनी कन्या को उस राजा को दूंगा जो बड़ा प्रतापी है और बड़ा ही भगवान का भक्त है। वो जब वहां पहुंचे तो राज वेश को त्याग करके साधारण वेश झाड़ूदार वेश सेवक वेश धारण करके राजा पुरुषोत्तम जाना रथ के आगे झाड़ू लेकर के पूरी सड़क को साफ कर रहे। इस दर्शन को देखा तो पुरुषोत्तम जाना के मन में हुआ कि ये राजा है, ये प्रजा के सामने झाड़ू लगा रहा है और ये तो साधारण झाड़ूदार सा प्रतीत होता है, जबकि राजा का व्यक्तित्व एक बहुत सुंदर बहुत तेजवान था। तो भी उससे आकर्षित होने पर भी उन्होंने मन में ठाना कि मैं अपनी पुत्री को इनको नहीं दूंगा। ये सोच करके वो वहां से रथ यात्रा जब प्रारंभ हुई तो चुपचाप अपना विद्यानगर पहुंच गए। अब यहां पर सुंदर तरीके से रथ यात्रा जो महान उत्सव है वो पूर्ण हुआ और पुरुषोत्तम जाना को पता था कि राजा को आना था और राजा को अपनी कन्या के बारे में हमसे बात करनी थी। वो आकर के भी चले गए और यहां हमें कोई संकेत देकर नहीं गए। तो इसने अपने मंत्री से उन्हें कहा कि जाओ पता करो क्या बात है, इतना समय हो गया और राजा क्यों नहीं आ रहे। तो मंत्री ने दूत भेजा, दूत को बताया कि मैं ऐसे झाड़ूदार को अपनी पुत्री नहीं दे सकता जो समस्त प्रजा के सामने झाड़ू लगाता हो। उसने आकर के मंत्री को बताया, मंत्री ने आकर के महाराज पुरुषोत्तम जाना को बताया। पुरुषोत्तम जाना ने जब यह सुना तो बड़े क्रोधित हुए और कहा मंत्री तुरंत सेना को तैयार करो। उसकी इतनी हिम्मत, जो श्री जगन्नाथ जी का पूरा महिमा जानता है और हमारे राज्य की महिमा को जानते हुए अपनी पुत्री का विवाह हमसे मना करता है, करने के लिए मना कर रहा है, हम अभी चढ़ाई करेंगे। तुरंत आदेश का पालन हुआ, मंत्री ने बहुत अच्छी तरीके से सेना को व्यवस्थित किया और सुबह सुबह वो लोग चले गए। जाकर के विद्यानगर के जो नरेश थे वो गणेश जी के उपासक थे और गणेश जी की उन्होंने उपासना की। हे प्रभु, यहाँ पर जो है जगन्नाथपुरी के राजा हम पर आक्रमण कर रहे हैं, कृपा करके आप हमारे संग हो लें और इनको जो है दोनों हाथ कर कर इनको हरा दें। गणेश जी साक्षात मूर्तिमान होकर के उस सेना में उस विद्यानगर के नरेश के साथ हो लिए और पुरुषोत्तम जाना जो अपनी बड़ी सेना के साथ वहां आए थे वहां गणेश जी और विद्यानगर के नरेश के द्वारा पराजित हुए। ये देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए पुरुषोत्तम जाना कि मैं हार कैसे गया। हार करके लौटे, जगन्नाथ जी के चरणों में लोटपोट होकर रोने लगे। हे प्रभु, मैं तो आपका भक्त हूं और मैं वहां विद्यानगर में जाकर के हार गया, वो गणेश जी का भक्त है, इससे तो आपकी महिमा घटेगी कि देखो जगन्नाथ जी और उनके भक्तों में कोई शक्ति नहीं है, जगन्नाथ जी का भक्त हार जाता, जगन्नाथ जी कोई सहायता नहीं करते। मैं अभी तुरंत अपने प्राणों की आहुति देता हूं, मैं कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं, मैं अनशन करके यहीं बैठ जाता हूं, प्राणों का अंत करूंगा आपके चरणों में। ये देख करके जगन्नाथ जी ने उनको साक्षात दर्शन दिए, स्वप्न दिया। हे राजा, तुमने उत्तेजना में क्रोधित होकर के एकदम आक्रमण किया और मुझसे आज्ञा नहीं ली, मुझे तुमने बताया नहीं, अगर तुम मुझे बताते तो मैं निश्चित तौर से तुम्हारे साथ जाता और तुम्हें कभी हारने नहीं देता। तुम चिंता मत करो, दोबारा आक्रमण करने का व्यवस्था करो, मैं और बलदेव दोनों वहां पर जाएंगे और अब की बार उनको परास्त करेंगे। ये सुनकर के राजा तो एकदम से खड़े हुए और बहुत सुंदर तरीके से
पुनः उन्होंने सेना को व्यवस्थित किया और जाने के लिए तैयारी की, तो यहां पर एक स्वर्ण सोने की जिस प्रकार से कांति होती है, ऐसा जो है कांति ली हुए बलराम जी, बलदेव भद्र और श्री जगन्नाथ जी जो श्याम कांति लिए वो मूर्तिमान रूप में होकर के एक श्याम घोड़े पर और एक गोर घोड़े पर विराजमान हो गए। अब सेना चल रही है, सेना से कई मील आगे ये दोनों भाई जा रहे हैं और घोड़े पर बड़े आनंदित होकर जा रहे हैं। गर्मी का समय है, एक मैया छाछ बेचने वाली वहीं पर रास्ते पर बैठी थी, उसको देख करके दोनों भाई रुके हैं, कहा मैया हमें छाछ पिला लो और हमें इतनी प्यास लगी है, लेकिन हमारे पास कोई भी मुद्रा नहीं है, कोई पैसा नहीं है, हम राजा के सैनिक हैं, युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, पीछे पीछे महाराज पुरुषोत्तम जाना आ रहे हैं, आप उनसे इस छाछ का जो है मूल्य ले लेना। तो मैया ने कहा मैं ऐसे छाछ दे दूंगी, महाराज का नाम लेकर के आप जा रहे हो, महाराज का नाम लेकर के जाने से कितने लोग चले जाएंगे, लेकिन महाराज तो किसी का पैसा देगा नहीं। कहा नहीं, वो तुम्हारे पैसे जरूर देंगे। उन्होंने अपनी अंगूठियां निकाली और उन मैया को दे दी, दो अंगूठियां मैया को दी। मैया ने अंगूठी लेकर के छाछ का घड़ा भर करके दे दिया। दोनों भाइयों ने आधा आधा छाछ खूब दबा करके पिया और बड़े आनंद पूर्वक मैया को प्रणाम करके वहां से चले गए। थोड़ा समय बीता, पीछे से महाराज पुरुषोत्तम जाला अपनी सेना के साथ वहां आ रहे थे। उन्होंने जब देखा एक छाछ वाली मैया वृद्धावस्था में है और उन्होंने हाथ देकर संकेत करके कहा आप लोग भी आइए और छाछ पीजिए। तब उन्होंने बताया कि आपके दो सैनिक जो एक श्याम कांति का एक गौर कांति का आगे आगे गए हैं और उन्होंने छाछ पी है, उन्होंने मूल्य नहीं दिया और कहा महाराज आ रहे हैं, महाराज मूल्य देंगे। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मैं सबसे आगे जाता हूँ, सेना मेरे पीछे चलती है, मैं से आगे दो सैनिक कैसे चले गए। तब उन्होंने बोला ये देखो मुद्रिका दी है, इन अंगूठियों को देखो और तब आप पहचान जाओगे। उन्होंने कहा कि इनको देख करके वो इस छाछ का मूल्य प्रदान करेंगे। जब देखा एक में जगन्नाथ सिंह लिखा हुआ था, एक में बलदेव सिंह लिखा था, रोने लगे राजा, हे प्रभु ये तो मुद्रिका मैंने अपने एक स्वर्णकार से बनवाई थी आपके लिए, आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि आप हमारे रक्षा के लिए आगे आगे चल रहे हैं। और मैया को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, उनको प्रणाम किया, हे मैया तुम बड़ी धन्य हो, तुमने साक्षात जगन्नाथ जी का दर्शन किया, बलदेव जी का दर्शन किया, जितनी भी तुम्हारी दूर तक दृष्टि जाती है वो क्षेत्र में तुम्हें प्रदान करता हूँ, वो तुम्हें तुम्हारे वंशजों को प्रदान करता हूँ, ये सारी जमीन तुम्हें मैं प्रदान करता हूँ। इतना प्रसन्न होके गए और वहां पर ये दोनों भाई जाकर युद्ध करते हैं। विद्यानगर के नरेश और जो गणेश जो मूर्तिमान होकर के आते हैं, उनको भगवान जगन्नाथ जी ने बंदी बना लिया और कहा तुम भंड हो, भंड मतलब ठग हो, ठग इसलिए कि तुम जानते हो कि मेरा भक्त जगन्नाथ जी का भक्त यहाँ पर आ रहा है और तुम उससे लड़ रहे हो, उसको परास्त कर रहे हो, तुम भंड हो, तुम जानते हो मैं जगत का स्वामी हूँ, तुम मुझसे लड़ने आ गए, इसीलिए मैं तुम्हें कैदी बनाता हूँ। उनको कैदी बनाया और सबको परास्त किया और बाकी विद्यानगर के नरेश को भी कैदी बना करके, जब ये आने लगे तो उनकी पुत्री को भी बंदी बना करके और गंड भंड गणेश जी की वो प्रतिमा है उसको भी लेकर आए और वहां पर राधाकांत का श्री विग्रह है उनको भी लेकर के आए और साक्षी गोपाल जो हम जगन्नाथपुरी में बैठक में देखते हैं वो पहले वही विद्यानगर में थे। वो जो कथा है महाराष्ट्र ने भाई कई बार सुनाई है, तो ब्राह्मणों की कथा, वो पहले साक्षी गोपाल वहीं पर विद्यानगर में विराजमान थे, उनको लेकर के सब आए हैं और जगन्नाथ जी से पहले ही जगन्नाथपुरी से पहले जो जगन्नाथ जी का मंदिर है उससे करीबन करीबन 30 या 25 किलोमीटर पहले ये साक्षी गोपाल जी का जो मंदिर है ये वहां पर इन्होंने विराजमान कराया पुरुषोत्तम जाना जी ने। और फिर यहाँ आकर के कहा कि देखो मैं तुम्हें तो मारूंगा नहीं, नरेश को तो छोड़ दिया विद्यानगर के नरेश को, और कहा तुम्हारी पुत्री को एक झाड़ू दारसी में विवाह करवाऊंगा और इतना क्रोधित हुए। उसके बाद मंत्री जो दयालु थे उन्होंने कहा ठीक है अभी आपको बहुत क्रोध है, आप चिंता ना करें, एक दीनहीन और अच्छे झाड़ूदार से हम इनका विवाह करा देंगे, आप क्रोध ना करें। और उनकी विद्यानगर की जो नरेश थे उनकी पुत्री को अपने घर में रखा पुत्री के समान। समय बीता, एक वर्ष हुआ, एक वर्ष के बाद पुनः जब पुरुषोत्तम जाना
झाड़ू दे रहे थे रथ के आगे, तो तुरंत मंत्री के संकेत से वो पुत्री दौड़कर आई, राजकुमारी दौड़ के आई और माला अर्पण कर दिया। राजा पुरुषोत्तम जाने का कहा, देखो मंत्री भी बड़े गदगद हुए, आपसे बढ़कर कौन जादूदार है, आप ही जो है इनके स्वामी हो सकते हैं, दीनहीन है क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है, जो कुछ आपका राजपाट धन विद्या सब कुछ तो जगन्नाथ जी की है, आप दीनहीन है, सबसे बड़े दीनहीन आप हैं, आप सज्जन हैं, इसीलिए आप ही इस पुत्री के जो है विवाह के उपयुक्त वर है, तो आप इन्हें ग्रहण करें। इस तरीके से उन्हीं से जो है हमारे पुरुषोत्तम जाना के पुत्र हुए प्रताप रुद्र जी, जो चैतन्य महाप्रभु की सुंदर लीलाओं में आते हैं, उन्होंने उनकी सेवाएं भी की है। तो यहाँ इस तरीके से आज जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी का दर्शन लाभ आज वहां पर पुरी में भी हो रहा है, और इस तरीके से ये सुंदर सुंदर जो लीलाएं भगवान भक्त के साथ करते हैं, इसको हृदय में निष्ठा करके हमको जानना चाहिए और भजन में अग्रसर होना चाहिए। धन्यवाद। प्रभु जी तैयारी। हाँ देखो, जो जो प्रभु ने जो आज कथा सुनाई, कहते उन्होंने वहाँ से बहुत सारी चीज, एक मयूर सिंहासन लाए थे, आपको पता होगा जब ब्रिटिश ने हमारे भारत पर राजत्व तो किया, उन्होंने उसको चोरी करके और मयूर सिंहासन को ले गया, और वो जो गणेश को लाए थे, जो कांची राजा जिनकी बेटी थी उनका इष्ट थे गणेश, और जगन्नाथपुरी की जो पुरुषोत्तम जना थे इनका जो इष्ट था जगन्नाथ जी, उनका अंदर में शर्त था अगर पुरी का राजा अगर हार जाएगा इनका इष्ट जाकर के उनको इष्ट को पीछे बैठना पड़ेगा, अगर वे अगर हार जाएंगे उनका जो इष्ट गणेश उनको आ करके श्री जगन्नाथ जी को पीछे बैठना पड़ेगा, इसलिए कभी जगन्नाथ पुरी कौन कौन गए हो, एक दो तीन चार, ठीक है, कौन जाना चाहते हो हाथ उठा, जय जगन्नाथ। हाँ, एक बार सबको रथ यात्रा में एक बार देखो, जगन्नाथ जी को दर्शन करने का बड़ा महत्व है, कहते रथे वामनम दृष्टा पुनर्जन्म न बीतते, एक बार अगर कोई रथ यात्रा में जगन्नाथ जी को दर्शन कर लेता है रथ में, शास्त्र कहता है उसको दो बार जन्म नहीं होता है, क्योंकि जगन्नाथ जब रथ के ऊपर बैठते वो इतने प्रसन्न इतने खुश रहते हैं, बोले क्यों खुश रहते हैं, वो अभी द्वारका से अभी ब्रज जा रहे हैं, ब्रजवासियों से ग्वाल बाल से अपना पिता माता से गोपियों से राधा रानी से मिलने जा रहे हैं, अगर कोई प्रिय व्यक्तियों को साथ में मिलने के लिए जाए ना बड़ा खुश रहते हैं, इसलिए जगन्नाथ जी बड़े खुश रहते हैं। हमारे देश में तो कहते हैं जो गर्भ में जिसका बच्चा है ना, कहते हैं तुम अभी जगन्नाथ जी को दर्शन करने मत जाएगा, बोले क्यों, बोले जब जगन्नाथ जी रथ में होते हैं उनका जो दृष्टि इतना शुभ दृष्टि इतनी करुणा दृष्टि, कहते जो गर्भ में जो बच्चा है ना उनको ऊपर में भी वो प्रभाव पड़ता है, अब पढ़ के क्या होता, कहते उनके जो आंखें हैं बच्चे का आंखें भी बड़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए कहते अभी तुम दर्शन करने के लिए मत जाया करो, मना करते। और जब रथ यात्रा में जाओगे आप देखोगे जैसे हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, कैसे ठाकुर जी का अंदर में रख करके स्क्रीन बंद करते हैं, मंत्र पढ़ करके ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, लेकिन वहाँ पर आप सोच नहीं सकते जितना दूर से जगन्नाथ जी की रथ दिखाई पड़ता है, उनका झंडा जितना दूर तक दिखाई पड़ता है, बस उतना वहीं पर जय जगन्नाथ, बस केवल उनको ऐसे ही दिखा दो जय जगन्नाथ, और जगन्नाथ जी ग्रहण कर लेते हैं। जगन्नाथ जी बड़े उस समय बड़े दयालु रहते जगन्नाथ जी, इसलिए वहाँ पर इसलिए इनका इष्ट इसलिए उनका जो जगन्नाथपुर जो गए होंगे ठीक जगन्नाथ मंदिर को पीछे देखना वो गणेश जी है, उनका नाम भंडे गणेश है, हैं भंडे गणेश है, इसलिए उनको गोद में एक देवी है, कहते वो परास्त कैसे कर देता था पूरी राजा को, कहते उसका गोद में एक देवी मूर्ति है, वो देवी रिधि सिद्धि देवी थी, ये पुरुषोत्तम जना जितने सनी को मारते थे वो जो सिद्धि देवी उनको गोद में गणेश जी की गोद में बैठी हुई थी उतना झटाझट उतना सनी को प्रसव करते, राजा दिन भर युद्ध करते करते जितने मारे और सैनिक अरे खत्म नहीं हुए। जब फिर अपने जो कथा सुने फिर उन्होंने हार करके जब आ गए जगन्नाथ जी के, बोले प्रभु मैं युद्ध करने के लिए गया, आपको उसने मेरे को अपमान किया है, हाँ मैं तो झाड़ूदार हूँ, लेकिन झाड़ूदार किसका झाड़ूदार, आपका झाड़ूदार है, कहते ब्रह्मा शंभु अमरपति गणेशार्चित पद
जिनकी चरण को ब्रह्मा शंकर नारद इंद्र चंद्र लक्ष्मी जिनकी चरण को हर समय गोद में लेकर के बैठी हुई है, उनका मैं झाड़ूदार हूँ। साधारण बात थोड़ी है, लेकिन उसने मेरे को झाड़ूदार बताया। अगर मैं हार गया ना, ये आपका ही हार है। अगर मैं जीतता तो आपका ही जीत। अब याद रखो, अगर मैं हार गया ना, उसका जो इष्ट जो भंड गणेश को पीछे जाकर बैठना पड़ेगा तुमको। ये चीज़ को याद रखो, इसलिए याद रखो। फिर जब उन्होंने ठाकुर जी के चरण में लेट गए, उनकी झपकी आई, जगन्नाथ जी स्वयं प्रकट हुए, बोले कोई चिंता मत करो, हम दोनों भाई भैया तेरे पक्ष में कल युद्ध करने के लिए जाएंगे। सचमुच से उन्होंने ठाकुर जी जाने से पहले दोनों भैया, जगन्नाथ मंदिर में जब जाओगे उनका एक उत्तर दरवाजा है, हैं, दक्षिण दरवाजा, दक्षिण दरवाजा आप देखोगे, इधर जो दरवाजा दक्षिण, वहाँ पर देखना कृष्ण बलराम दोनों घोड़े के ऊपर बैठे हुए। अब जब कभी जाओगे तो ध्यान देकर देखना, दक्षिण दरवाजा दोनों भाई बैठे हुए, उसी स्वरूप में ये दोनों भाई उसी स्वरूप में युद्ध करने के लिए गए थे। एक काले घोड़े के ऊपर बैठ करके और एक सफ़ेद घोड़े के ऊपर बैठ करके युद्ध किए। जब जितने सैनिक वध कर रहे थे, उतना सैनिक आ रहा था, उतना सैनिक, जगन्नाथ जी बोले ये सैनिक खत्म क्यों नहीं हो रहे? कारण क्या? फिर पता चला कि गणेश की गोद में जो सिद्धि देवी बैठी हुई उसकी ये चमत्कारिता। हे राजा को, जगन्नाथ जी को बड़ा क्रोध आया, उनने उठाया बाण, बोले बोले गणेश जी तेरे को जान से खत्म कर दूंगा अगर इस सैनिक को बंद नहीं करते हो। इसलिए जो बाण उठाया ना, इतने में गणेश जी कांप उठे। फिर उन्होंने अपना सूड़ से वो देवी की प्रसव स्थान को बंद कर दिया। ठीक इसी स्वरूप में जगन्नाथ जी मंदिर में भी देखोगे, इसी स्वरूप में ठाकुर ये गणेश जी बैठे हुए, अभी भी उनका दर्शन वहाँ पर होता है। और वहाँ से जो है कि राधा कांत को ले आए थे ठाकुर जी को, जो गंभीरा जहाँ पर महाप्रभु ने 18 साल तक रहे, जब उसी मंदिर में जब आप प्रवेश करोगे ना, ठीक उल्टा हाथ में देखोगे वो ठाकुर अभी भी वहीं पर बैठे हुए। और जो साखी गोपाल को लाए थे उनको जगन्नाथ जी को मंदिर में रख लिए। ये तो गोपाल है, गोपाल है ना, छोटे बच्चे घुटन पर चलते हैं। अभी जगन्नाथ जी को जो भोग लगता है ना, ये क्या करते हैं जगन्नाथ जी खाने से पहले, छोटा बच्चा है ना, जैसे छोटे बच्चे को सामने कोई खाना रखो क्या करता है वो, खाने से पहले घुटन पर जाकर खाना खा लेते हैं। ऐसे ही गोपाल जी जा करके जगन्नाथ जी खाने से पहले जाकर खा लेता है। और जगन्नाथ जी भूखे बैठे हुए 8-10 दिन ही हो गया। जो हो गया इतने में जगन्नाथ जी स्वप्न दिया राजा को, बोले कहाँ से ये गोपाल को ले आए, मैं तो एकादशी, मेरा रोज एकादशी हो रहा है। रोज एकादशी हो रहा है, मैं तो भूखा बैठा हुआ, ये हम मेरे को खाने से पहले ये खुद जाकर घुटन पर चलता है और खा लेता है, इसलिए कुछ अलग व्यवस्था करने, तो मेरे रोज एकादशी हो रहा है। फिर राजा ने उनके लिए अलग मंदिर बनाए, बना करके ठाकुर जी को उन्होंने अलग रूप में स्थापन किया है। इसलिए जगन्नाथ जी बड़े दयालु, बड़े कृपालु जगन्नाथ जी, थोड़ी सी भक्ति से ही ना जगन्नाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं। इतना दिन तक लॉकडाउन में, इतना दिन तक बंद था, बोल रहे आज खुला है, हैं, खुला तो बहुत अच्छी बात है। बोले जय जगन्नाथ महाप्रभु की। अभी हमारे राहुल प्रभु जी कुछ सुनाएगा। हाँ देखो, कल जो सुनाएगा वो जो श्लोक है ना, हैं, जो श्लोक है कैसे भगवान अपना माया के द्वारा कैसे विश्व ब्रह्मांड को, कैसे ठाकुर जी माया के द्वारा कैसे मुग्ध करके रखे, वो श्लोक बोले विष्णु माया भगवती जया सन्मोहित जगत आदिष्ट प्रभुनांसे न कार्याते संभविष्यति। इसलिए कैसे ठाकुर जी आदेश देते हैं माया को, कौन माया? भगवान की, कहते जिसको द्वारा ये विश्व ब्रह्मांड को मोहित करते हैं, हैं, मोहित करके जीव कैसे ये संसार में, ये जो टाटी पेशाब शरीर किस चीज से बनी हुई है? टाटी पेशाब खून पीक, और उसमें कुछ है ही नहीं, लेकिन जीव इसी में ही आसक्ति हो जाता है। जो अनित्य वस्तु में जीव आसक्ति होकर के ये शरीर को मैं और मेरा मान करके ये माया में ये जीव भटक रहे हैं। 14 ब्रह्मांड 84 लक्ष्य जुन में जीव भटक रहे हैं। इसलिए हमारे भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एक कथा सुनाते कहते थे, बोले एक समय को एक राजकुमारी घर बार छोड़ करके वृंदावन में भजन करने के लिए आए, लेकिन वो राजकुमारी बड़ी सुंदरी बड़ी प्यारी थी। एक रा वो तो भजन करने के लिए आए वृंदावन में, एक राजकुमार था, वो राजकुमारी इतने सुंदर थी उसको देखकर मुग्ध हो गया। मुग्ध होकर के उसको पास में आया, बोले मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ।
तो उसने कहा देखो मैं तो घर बार छोड़ करके वृंदावन में निष्किंच न होकर के भक्ति करने के लिए आया, मैं तो शादी करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो भक्ति करने के लिए आया। लेकिन वो राजकुमार अपना जोर जबरदस्त से कुछ कर सकता है, बोले नहीं मैं तो तुम्हें से शादी करना चाहता हूँ। बोले ठीक है आप दो दिन बाद में आओ। इतने में उसने एक संत के पास में गया, बोले ऐसे ऐसे बात है। संत ने सोच सोच करके बताया, बोले एक काम करियो। बोले क्या है? उसको बोलो दो दिन बाद में मिलने के लिए आए। और एक होता ना कनियर, एक फल होता है जिस फल को खाने से डायरिया हो जाता है, हैं, जो डायरिया हो जाता है, कलरा हो जाता है। और तुम एक काम करना, तुम्हारे जितना टाटी पेशाब है जो कलरा हो जाएगा, कभी कलरा हुआ है आपको, कभी डायरिया हुआ पता होगा, दो चार बार अगर पैखाना हो गया ना बस चितपात हो जाते। इसलिए जितने टाटी पेशाब तुम्हारी जितने होगा एक गमला में तुम भर कर रखना, हैं, उसमें ही टाटी पेशाब सब उसमें भरना, भर करके उसमें ही रखना। और जब वो आएगा उसको खोल करके दिखा देना। सचमुच से बोला तुम दो दिन बाद में आओ। जब उसने दो दिन बाद में आया, उसने तो जितने टाटी पेशाब जितना एक गमला में जितना होता था उसमें भर भर के रखता था, भर भर रखता था। और दो दिन में उसका शरीर एकदम हड्डी हड्डी रह गया, जो आँख है ना वो अंदर में चला गया, काल पिचक गया और एकदम नरक कंकाल जैसे हो गया, एकदम शरीर देखा नहीं जाएगा ऐसे उसके चेहरा हो गई। अभी दो दिन बाद में जब आया, आकर के कह रहा है भैया, उसी राजकुमारी से पूछ रही हैं वो राजकुमारी कहाँ पर गई, वो राजकुमारी कहाँ है जो इतने सुंदर थी, लेकिन वो ऐसे चेहरा हो गई वो पहचान नहीं पा रहा है। बोले राजकुमारी, बोले जिसे शादी करना चाह रहा था, बोले हाँ, बोले आओ मैं तुमको दिखाऊंगा। लेकर के वो जो टाटी पेशाब जो भर कर रखा था ना गमला में, उसको खोल दिया। जब खोल दिया माछी भन भन कर रही थी, इतने में बदबू मार रहा था, वहाँ पर खड़ा नहीं हो जाएगा, उसको देख करके उसको तो उल्टी हो गया। बोले ये क्या बता रहे हो, यही राजकुमारी? बोले वही यही राजकुमारी है ना। बोले राजकुमारी में वही राजकुमारी थी, क्योंकि ये जो टाटी पेशाब है ना ये शरीर के अंदर में था, इसलिए मैं ऊपर से ये इतने सुंदर दिख रही थी। जब ये सब निकल गया हैं, यही था शरीर में, इसलिए बोले माल यही बल है, हैं, इसलिए जब निकल गया मेरा आँख अंदर में चली गई, गाल पिचक गया, हड्डी हड्डी हो गया, तो इसी शरीर से शादी करना चाह रहा था ना ये टाटी पेशाब से शादी कर ले इससे। सचमुच से जो राजा का जो बेटा था ना उसको भी वैराग्य हो गया संसार से। हम इसी गंदे शरीर के प्रति आसक्ति होकर के और ये जीवन को बर्बाद करना चाह रहा था। हाँ देखो, इसलिए कहते जया सन्मोहित जगत, ये माया, ये टाटी पे शरीर में तो क्या है, शरीर में तो कुछ है ही नहीं ना, चमड़ा फाड़ दो पेट में क्या है, यही टाटी पेशाब खून और कुछ तो है ही नहीं। इसलिए माया की ऐसे बलवान है ये, इसी टाटी पेशाब का शरीर में ही इतने आसक्ति दे देता है, जीव उसमें ही मर जाता है, उसी की चक्कर में, माया की चक्कर में जीव अपना जीवन को नष्ट कर देता है। इसलिए बोले जया सन्म हुईत जगत, जिसको द्वारा बहिरंगा शक्ति को द्वारा उन्होंने पूरा ये संसार को उन्होंने मोहित करके रखे। इसलिए एक स्वरूप में जीव को मोहित करके रखते हैं और दूसरे स्वरूप में जब कोई जीव ये माया को छोड़ करके भगवान के प्रति आसक्त होता है, भजन करना चाहते हैं, फिर वही फिर जोगमया बन करके उसको भगवान से जुड़ा देता है, भगवान से मिलन करा देती है। कहते यही माया, कहते एक तो भगवान को माया जीव को मोहित करती है, दूसरे तरफ में ये भगवान को भी मोहित करती है। केवल जीव को नहीं भगवान को भी मोहित, बोले भगवान को मोहित करती है, बोले हाँ ठाकुर जी को भी मोहित कर देती है। बोले कैसे? अगर कृष्ण को पता रहे मैं भगवान हूँ ना, मैया कभी उसका खान बोल सकती है? अगर कृष्ण को पता रहे मैं भगवान, मैया कभी कृष्ण को बांध सकती है? अगर कृष्ण को पता रहे मैं भगवान, हैं, अगर मैया जो डांटती है डपटती है डांट डपट सकती है? नहीं कर सकती है। इसलिए एक तरह से ये भगवान की जो लीलाओं को यही पुष्टि करने वाले, यही जोग माया रूप में भगवान की भगवता को भुला करके उसको क्या करती हैं, प्रभु की सुंदर सुंदर ये लीला भी करती हैं, दूसरे तरफ में कृष्ण को भी भुलाती हैं और दूसरे तरफ में जीव को भी भुला करके संसार में माया में डाल देती हैं। इसलिए कैसे जीव को भुलाती हैं ये माया, कैसे है? इसलिए कल मैंने एक छोटी सी स्टोरी सुनाई थी, आज प्रभु जी कहते मैं सुनाऊंगा उसको। बोलिए मेरे लिए प्रभु ने छोड़ दिया है, बोलो। अमर ज्ञान जी मेरा निश्चित ज्ञान है जिस लाइन में चलिए सुनना मित्रों के समस्त गुरुओं ने।
वांछा कल्पत रूपस्य कृपा सिंधु भगिनी चेतना पावने पे वैष्णव पे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हमारे सामने प्रभु ने पूरी कथा सुना दी, पर मुझे शायद हम पापी के लिए अपना छोटा सा कुछ चीज छोड़ दिया जिसे मैं चबाने की कोशिश करूंगा। और गुरुदेव ने भी अभी माया के ऊपर इतनी अच्छी बात बताई, ये भी थोड़ी सी सुनाते ये भी बहुत अच्छी बताई कि ये जो भगवान की माया है वे तो मायाधीश है, उन पर माया कभी अपना प्रभाव नहीं डालती, पर उनकी इच्छा से उन्हीं के ही कार्य माया करती है। ये गुरुदेव बता रहे हैं ये माया कितनी प्रबल है, इससे हमारी तो औकात क्या, ब्रह्मा जी शिव जी नारद जी इंद्र ये भी नहीं बच पाए। इसमें गुरुदेव में बहुत सारी कथा आती है कि एक बार ब्रह्मा जी भी अपनी पुत्री के पीछे मोहित होकर भागने लगे थे, जो साक्षात परम ब्रह्म है सब कुछ जानने वाले हैं, वे भी भगवान की माया से मोहित होकर अपनी पुत्री के पीछे भागने लगे। शिव जी के साथ भी ऐसा हुआ और नारद जी भी एक बार क्या हुआ कि मैं ही भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ, मैं माया से बचाऊ, मैं माया की चपेट में आई, ये अहंकार भी एक बार नारद जी को हो गया, तो उनका भी खंडन भगवान ने किया है। पर जो गुरुदेव ने कल कथा सुनाई है वो भागवत जी में है कि एक बार क्या हुआ, सुदामा जी कृष्ण जी जब दोनों पाठशाला में पढ़ रहे थे तो सुदामा कहने लगे कि ठाकुर जी उनको वो भगवान ही मानते थे साक्षात, कि मैं आपकी माया देखना चाहता हूँ। तो भगवान कहने लगे कि समय आने पर मैं तुम्हें दिखा दूंगा। तो एक दिन की बात है दोनों घूमते हुए जंगल में जा रहे थे, तो दोनों ने एक साथ एक नदी में स्नान किया। जब दोनों ने हाथ पकड़कर उस नदी में डुबकी लगाई तो डुबकी लगाते ही एक बहुत तेज लहर आई, लहर आते ही जो सुदामा जी थे वे एक बहुत दूर चले गए उसमें बहते हुए और एक ऐसी सुंदर जगह पर निकले जहाँ पे बहुत सुंदर महल था। उस सुंदर महल में जब उन्होंने देखा तो वहां पर एक सुंदर कन्या थी, उस सुंदर कन्या ने सुदामा को देखते ही उनके गले में हार डाल दिया और जिससे उन्होंने उनके साथ विवाह कर लिया। जब उनके साथ विवाह कर लिया तो वे दोनों रहने लगे, उनके वहां पर बच्चे भी हुए और उन्होंने उस राज्य को बहुत दिनों तक भोग किया। तो जब राज्य बहुत दिनों तक भोग करते रहे तो वैसे ही कुछ दिनों के बाद फिर एक वहां पे उस जो नदी थी उसमें बाढ़ आ गई जिससे वो एकदम वहां से सब बह गए। तो उन्होंने देखा कि मेरे बच्चे बहते जा रहे हैं, अपने बच्चे के योग में बहुत जोर से रो रहे हैं, सुदामा जी अरे मेरे बच्चों को बचा लो, पर वे भी मर गए। थोड़ी देर बाद उनकी पत्नी भी उसी जल में बह गई, वे भी मर गई। तो वे उस योग में वे भी उस जल में बह गए, वे भी नहीं बचे। जब वे जल में बह गए उसमें डूब गए, डूबने के बाद क्या हुआ कि जैसे ही जिस समय कृष्ण जी ने सुदामा जी का हाथ पकड़कर उस जल में डुबकी लगाई थी वैसे हाथ पकड़ तुरंत बाहर निकले और सुदामा जी एकदम हट रहे, ये क्या हुआ, जो अपने कृष्ण जी से कहने लगे कि ये क्या था, जब हमने डुबकी लगाई तो मैंने सब ऐसा देखा, वो तो चाहता था ना कि मेरी माया क्या है, तो ये मेरी माया है। ठाकुर जी ने पल भर में सिर्फ एक डुबकी मात्र जाने में और आने में उसको इतनी लंबी उसको माया दिखा दी कि वो भी मोहित हो गया, ये है माया। और हम चाहते हैं कि हम माया से बच जाए, तो हम अपने आप इस माया से नहीं बच सकते, हमें गुरु वर्गों का आश्रय भगवान का आश्रय करना पड़ेगा जब भी इस माया से बच सकते हैं, क्योंकि मायाधीश वे ही है। इसको चाहते हैं कि हम अपनी शक्ति से बचा ले, नहीं हमारे में इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि जब ब्रह्मा शिव नारद जी इसको अपनी शक्ति से नहीं बचा पाए तो हमारी तो औकात ही क्या है। तो इसलिए आप सभी से आग्रह है कि गुरुदेव की शरण लेकर भगवान के चरणों में अर्पित होकर इस माया से आप बच सकते हैं। वांछा कल्पतरु से कृपा कृष्ण हरे कृष्ण। आज बहुत लेट हो गया, आरती होगी हमारे चिराग प्रभु, कोई किसका कथा सुनाना चाहे, जयदेव जी का, लेकिन अभी ठाकुर जी का आरती नहीं हुई है इसलिए फिर उन्होंने कल ये कथा को उन्होंने सुनाएंगे। एक जयदेव है जिनके लिए ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी जयदेव की बड़ी सुंदर कथा है इसलिए उन्होंने बड़ी तैयारी किया, उन्होंने कल ये कथा को सुनाएंगे, इसलिए आज कथा को हम विश्राम यहीं पर दे देते कि ठाकुर जी को भी आरती है, ठाकुर जी की आरती नहीं हुई। जाओ ठाकुर जी की आरती तैयारी है ना, जाओ आरती शुरू कर दो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे
हरे हरे राम क्योंकि आप लोगों को चिंता करते हैं इसलिए आपका देर नहीं हो टाइम से घर में पहुंच जाए और बच्चों को भी परिवार को भी देखे दोनों काम होने चाहिए एक काम नहीं दोनों काम इसलिए आपको टाइम चाहिए भक्ति भी होनी चाहिए इसलिए आज मैं थोड़ा देर कर दिया इसलिए मैं सोचा पता नहीं भक्त लोग आएंगे नहीं लेकिन आपको धन्यवाद लेकिन आप लोग टाइम से आ जाए।